ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृता। नारायण नमस्कृत्या नरञ्चैव नरञ्चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासम् देवी सर्वसतीं व्यासम् ततो जयमुदीरये जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवतं सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके नष्टिके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद अष्टम अध्याय श्लोक संख्या 41 41। अथ विशेष विश्वात्मान अथ विश्वयात्मान विश्वमूर्तेश केशु में स्नेहपाशमिमं छिन्धे स्नेहपाशमिमच्छिन्दे गृहं पाण्डुषु वृष्णिषु त्रिधं पाण्डुषु ग्रीसनिषु अथ विशेषो विश्वात्मान अथ विशेष विश्वात्मनः विश्वमूर्तेश केशु में विश्वमूर्तेषु मे स्नेहपाशमिमं छिन्धि स्नेहपाशमिनं छिन्धि दृढं पाण्डुषु वृष्णिषु दृढं पाण्डुषु ग्रीष्मनिषु। कृष्ण नंद किशोर माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। अतः हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे ब्रह्मांड के आत्मा, हे विश्व रूप, कृपा करके मेरे स्वजनों पांडवों तथा वृष्णियों के प्रति मेरे स्नेह बंधन को काट डाले। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवान का शुद्ध भक्त भगवान से अपने लिए कुछ भी मांगने में लजाता है, लेकिन गृहस्थों को कभी कभी बाध्य होकर भगवान से कुछ कथा की याचना करनी पड़ती है, क्योंकि वे पारिवारिक स्नेह की ग्रंथि से बंधे होते हैं। श्रीमती कुंती देवी इस तथ्य से सचेत थी, अतएव उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वे उनकी सज्जनों पांडवों तथा वृष्णियों के प्रेम पास को काट दें। पांडव उनके अपने पुत्र थे और वृष्णि उनके पितृकुल के सदस्य थे। कृष्ण इन दोनों परिवारों से समान रूप से संबंधित थे। दोनों ही परिवारों को भगवान की सहायता आवश्यकता थी, सहाय आवश्यकता थी, क्योंकि दोनों ही भगवान के आश्रित भक्त थे। श्रीमती कुंती देवी की
इच्छा थी कि श्री कृष्ण उनके पुत्रों तथा पांडवों के साथ रहें, लेकिन कृष्ण के ऐसे करने से कुंती के पितृकुल के लोग इस लाभ से वंचित रह जाते। यह सब पक्षपात कुंती के मन को दुख देने वाला था, अतः उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि यह स्नेह बंधन विच्छिन्न हो जाए। शुद्ध भक्त अपने परिवार के सीमित स्नेह बंधन की विच्छिन्न करके समस्त आत्माओं के लिए अपनी भक्तिमय सेवा का विस्तार करता है। इसके जीवंत उदाहरण गोस्वामी है जिन्होंने भगवान चैतन्य जी। प्रभु जी आप एक काम कीजिए, जो देखिए सामने बहुत आवाज आ रहा है आपके, उधर से कुछ लोग बहुत चिल्ला रहे, उधर दरवाजा, उधर अलग रोड है, रोड पर चिल्ला रहा है, बच्चा लोग खेल रहा है। ठीक है, आप दरवाजे को बंद कीजिए। और ये जो साइड में आप अक्षर दिखाई नहीं देता क्या माता जी? आप एक अक्षर छोड़ देते हैं जब भी पढ़ते हैं। जी प्रभु जी, जिधर आप हैं उधर का दिखाई नहीं पड़ता है, उधर बंद मतलब लुप्त हो गया है, हो जाता है, इसीलिए नहीं उधर पढ़ पाते हैं। अभी भी नहीं दिखाई दे, थोड़ा सा एक दो गो वर्ड अक्षर कट जाता है उधर जो है उससे। अच्छा, अभी देखो, अभी देखो, अभी अभी आ रहे पूरा, देखिए तो जी। स्वामी है जिन्होंने भगवान चैतन्य के पथ का अनुसरण किया, वे सभी अत्यंत प्रबुद्ध एक संस्कृत एवं जी नहीं दिखाई पड़ रहा था प्रभु जी एवं संस्कृत धनी स्वर्ण जातियों के थे, लेकिन जन साधारण के कल्याण के लिए वे अपने 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 साधन युक्त घरों को त्याग कर सन्यासी बन गए। समस्त पारिवारिक स्नेह को छीन करने का अर्थ है कार्य क्षेत्र को विस्तृत करना। ऐसा किए बिना कोई न तो ब्राह्मण बनने के योग्य हो सकता है, न राजा, न जनता का नेता, न भगवत भक्त। भगवान के आदर्श राजा के रूप में इसका दृष्टांत प्रस्तुत किया है। श्री रामचंद्र ने आदर्श राजा के गुणों को प्रकट करने के लिए अपनी प्रिय पत्नी से स्नेह बंधन छीन कर लिया था। ब्राह्मण भक्त राजा या जन नेता को अपने अपने कर्तव्य पालन में उदार चेता होना चाहिए। श्रीमती कुंती देवी इस तथ्य से अवगत थी और अबला होने के कारण उन्होंने पारिवारिक स्नेह के कथन को विच्छिन्न कर देने के लिए प्रार्थना की भगवान को, विशेष या यही लिखा हुआ का विशेष जी या विश्वात्मा कहकर संबोधित किया गया है, जो पारिवारिक प्रेम की कठिन ग्रंथि को काटने में उनकी शक्तिमयी क्षमता को बताने वाला है। इसलिए कभी कभी ऐसा अनुभव किया जाता है कि निर्बल भक्त के प्रति विशेष आकर्षण के कारण भगवान अपनी अपार शक्ति द्वारा नियोजित परिस्थितियों द्वारा पारिवारिक स्नेह को छीन करते हैं। ऐसा करके वे भक्त को अपने ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित बनाकर उसके भगवत धाम वापस जाने का मार्ग साफ कर देते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। तो इस प्रकार हम लोग आज श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद अष्टम अध्याय श्लोक संख्या
41 पर डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले 40 नंबर श्लोक का कल हम लोग डिस्कस किए थे। तो नंदकिशोरी माता जी अगर कुछ स्मरण हो तो एक दो पॉइंट बताने की कृपा करें माता, क्या डिस्कस किए थे कल हम लोग क्लास में। जी प्रभु जी, हम लोग तो कल यही किए थे कि चेहरा नहीं दिखाई दे रहा। कृष्ण भगवान ही सब कुछ है, उन्हीं के चलते हम लोग जीवित हैं, हम लोग जो कुछ भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, उन्हीं के चलते कर रहे हैं, और उन्हीं के आदेश से प्रकृति जो भी देती है अन्न फल जो भी मतलब देती हैं, सब उन्हीं के आदेश से देती हैं। अगर प्रभु भगवान कृष्ण भगवान कहेंगे कि नहीं दीजिए तो वे बंद कर देंगे। तो हम लोग यही समझें कि भगवान कृष्ण भगवान के ही आदेश से सब कुछ होता है। जैसे कि आप शोषण के विषय में बताए थे जैसे कि प्रकृति की शोषण हो रही है, जितने उद्योग कल कारखाना जो कुछ भी हुआ है, इससे ये प्रकृतिक जो है सो ये शोषण मतलब आदमी शोषण जितनी है लोग शोषण कर रहे हैं, इसके लिए प्रकृतिक जो है उनकी तकलीफ दुख हो रही है और वे सब कुछ हम लोगों को दे रही है। तो और भी जितने फल फूल समुद्र के जितनी भी समुद्र में से जो कुछ भी निकलता है वो सब भगवान ही माने कृष्ण भगवान के ही आदेश से सब निकलता है। लेकिन आदमी जो है ये आदमी लोग है इसका माने कुछ ये नहीं करते हैं, माने ये समझते नहीं है कि ये भगवान हमको दे रहे हैं तो हम इसको अच्छे तरह से अपना अर्जित करें या इसको ये करें, सिर्फ अपने भौतिकता में ही लीन रहते हैं। और जो है सो भगवान तो सब कुछ दे ही रहे हैं, और ये संपदा जैसे कि एक बिल्डिंग के विषय में आप बताए थे घर के, कि घर बहुत बड़ा कर बना ले, सब कुछ घर में रहे, पानी नहीं रहे, उसको चार चक्का गाड़ी रहे, लेकिन घर में चावल नहीं रहे खाने को और ये पानी नहीं मिले, तो वे सब शान शौकत सब जो कुछ भी है वे कुछ काम नहीं करेगा, आदमी जो है सो खाने बगैर मर जाएगा। तो ये सब कृष्ण भगवान के सब देने से सब मतलब हो रहा है, कुछ लोग समझ नहीं रहे हैं। और भी बहुत बहुत प्रभु जी आप तो उदाहरण बहुत दिए लेकिन पूरे उदाहरण याद नहीं आ रहे। सुंदर माता जी, लेकिन फिर भी आजकल भगवान की बहुत ही कृपा है कि आप कितना सुंदर एक एक करके एग्जाम्पल के साथ हमारे आभार व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं। ये बहुत ही सुंदर, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। आपका स्मरण शक्ति व्यासदेव की कृपा है माता, श्रील प्रभुपाद की कृपा है। तो चलिए, इस प्रकार हमेशा जब तक जीवन रहेगा, जब तक सांस चलेंगे, तब तक श्रीमद् भागवतम को छोड़ना नहीं, भागवतम के साथ इस तरह लटके रहना है। तो देखना है एक दिन हमारा जीवन का जो लक्ष्य है वो हम लोग प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का हमारा जो श्लोक, श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अष्टम अध्याय श्लोक संख्या 41। श्लोक में कुंती महारानी क्या बोल रहे हैं? कुंती महारानी बोल रहे हैं कि अथ विशेष विश्वात्मन विश्वमूर्ते सकेशु में स्नेह पाशम एवं छिंदी दीर्घम पांडुषु विष्णुषु। मतलब अत हे ब्रह्मांड के स्वामी कृष्ण, हे ब्रह्मांड की आत्मा जनार्दन, हे विश्वरूप, कृपा करके मेरे सजनों पांडवों तथा वृष्णियों के प्रति मेरे स्नेह बंधन को
काट डाले। भगवान से ऐसा प्रार्थना क्यों कर रहे कुंती महारानी? क्योंकि कुंती महारानी को भली भांति पता था कि ये जो संसार, जिस संसार में हम लोग रह रहे हैं, अरे वीडियो ऑटोमेटिक क्यों चला गया, जिस संसार में हम लोग रह रहे हैं, ये संसार एक सेकंड माता जी, अच्छा मेरा रूप नहीं दिखाई आ रहे, क्या हो रहा है अभी इतना देर तक तो अच्छा ही चला। अभी आया हरे कृष्णा। तो कुंती महारानी को भली भांति ये चीज पता था कि ये जो संसार है और जितने सारे रिलेशनशिप है, इसका कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि जीवात्मा अपने पूर्व जीवन के कर्म फल के अनुसार उसको ये शरीर प्राप्त होता है। अपने जीवन में अगर कोई पिछले जीवन में पुण्य कर्म किया है, उसको सदाचारी ब्राह्मण फैमिली में जन्म मिलेगा, ठीक है। तो मान लीजिए एक ब्राह्मण फैमिली में 8 मेंबर है, 8 सदस्य है, तो एक भाई है, एक भैया है, एक बहन है, एक चाचा है, एक चाची है, एक बुआ है, माता है, पिता है, टोटल मान लीजिए 8 जन है। तो सभी ऐसे सदाचारी खानदान में, सदाचारी परिवार में जन्म ग्रहण किए, पिछले जीवन में उन्होंने वो लोग पुण्य कर्म किए थे, दान दिए थे, तीर्थ यात्रा किए थे, गंगा स्नान किए थे, और पुण्य का फल कि उनको इस तरह के परिवार में उनको जन्म लेना का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अगर वो पिछले जीवन में पाप करते तो उसको ये पिता नहीं मिलता, उसको शूद्र पिता मिलता। हाँ, अगर वो पिछले जीवन में पाप करते तो उनको किसी कसाई खाने वाले व्यक्ति उनका बाप होता। तो व्यक्ति इस संसार में जितना कुछ ये जो रिलेशनशिप प्राप्त करते हैं, संबंध पाते हैं, उसके पीछे एक ही रीजन है कि उन्होंने पिछले जीवन में जो कुछ किया है उसी के फलस्वरूप विधाता, विधि, भाग्य उनको उस तरह के परिवार में जन्म लेने का सौभाग्य प्रदान करते हैं। तो कुंती महारानी को ये चीज ऑलरेडी पता थी कि ये जो 5 पांडव ये कौन है, ये सभी देवता है। तो अभी मेरे पुत्र के रूप में आया, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पुत्र है। अर्जुन कौन है? इंद्र के पुत्र, यस, इंद्र का अंश है, अंश का मतलब पुत्र, ठीक है। भीम वायुपुत्र, युधिष्ठिर धर्मराज, फिर सहदेव और नकुल, वह अश्विनी कुमार। तो ये जितने, ये सब देवी देवता है। बाकी जितने सारे, द्रौपदी वो भी एक देवी है, सती नारी है, पिछले जीवन में कौन थी देवी कुछ पता है? हाँ, जैसे हम लोग द्रौपदी के बारे में एक चीज जानते हैं कि द्रौपदी एक शिव भक्त थे, तो शिव भक्त थे, वो शिव की पूजा आराधना करते, तो शिव जी उनके पूजा से, तपस्या से संतुष्ट हुए। तो संतुष्ट होने के बाद शिव जी आके बोले कि टेल मी व्हाट यू वांट, बताओ आपको क्या चाहिए, ठीक है। तो द्रौपदी बोले कि मैं कैसे पति चाहता हूं जो धर्म का मूर्तिमान स्वरूप, ठीक है। बोले कि तथास्तु, मेरा पति बहुत बलवान होना चाहिए, बोले कि तथास्तु, और मेरा पति एक्सपर्ट होना चाहिए। हाँ, नंदकिशोर माता जी आप मोबाइल को घुमाइए, आप नीचे ऊपर और ऊपर नीचे दिख रहे हैं, वृक्ष के नीचे ऐसा लग रहा है, मोबाइल को घुमाइए। हाँ ठीक है, नहीं नहीं अभी भी ठीक नहीं, हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है। तो उसके बाद द्रौपदी क्या बोले शिव ठाकुर को कि मेरा पति सबसे सुंदर और विनम्र होना चाहिए, बोले कि तथास्तु। तो शिव जी बोले कि ठीक है, आपका पूरा हो गया? बोले कि हाँ, तो ठीक है, आपको 5 पति मिलेंगे। बोले कि 5 पति तो मैंने नहीं मांगा था। बोले कि मैं तो बोल दिया, आप एक एक करके मांगे, मैं एक एक करके दे दिया।
बोले कि हाय रे मेरे कपाल, हाय रे मेरा किस्मत, मैं सोच रहा था कि एक व्यक्ति के अंदर ये पांचों क्वालिटी हो, सुंदर, विनम्र, बलवान, धर्म का मूर्तिमान स्वरूप, एक्सपर्ट, दक्ष। मैं पांच अलग अलग नहीं मांग रहा था। तो बोले कि जो भी हो द्रौपदी, आपकी इच्छा तो मैं, मतलब मेरे मुंह से जो वाणी निकल गया, शब्द ब्रह्म वाक सिद्धि, ये कभी झूठा नहीं हो सकता, ये तो फलित होके ही रहेंगे। तो शिव जी उसको ये वरदान देके चले गए। तो शिव जी के वरदान फल स्वरूप पूर्व जीवन के कर्म फल अनुसार द्रौपदी को क्या मिला? पांच पतियों का पत्नी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो कुंती महारानी ये सब ऑलरेडी जानते हैं, ये सभी अपने अपने कर्म फल के अनुसार, मेरे पुत्र, मेरी बहुमा, मेरी बहुमा, मेरे पुत्र, मेरी पुत्रियां, ये सब बने। ये कोई अपना मेरे खून का रिलेशनशिप नहीं, ये तो धोखा है, ये तो माया का भ्रम जाल है। इसीलिए तो कुंती महारानी यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि हे ब्रह्मांड के आत्मा, कृपा करके मेरे सजनों, पांडवों, मतलब अपने पुत्रों, वृष्णियों के प्रति मेरे स्नेह बंधन को काट डाले। ये जो स्नेह बंधन, ये क्या है? एक माया का विस्तार है स्नेह, है ना? कुत्ता भी अपने बच्चे को बहुत अच्छी तरीके से पालन करते हैं, बंदर भी अपने बच्चे बच्चियों को अच्छी तरह खाना खिलाते हैं इधर उधर से चोरी करके, सिंह भी अपने बच्चों को, यद्यपि दूसरों की हत्या करते हैं, हाँ, दूसरों को वो मतलब खाते हैं, चूहा इधर चूहा गिधर जो भी है, लेकिन अपने पुत्र को, अपने पुत्री को, मतलब बाघ बाघिन, वो जो शेर के जो बच्चे हैं उनको बहुत टेक केयर करते। क्यों? ये स्नेह बंधन है माया, और इसी माया के कारण, इसी स्नेह बंधन के कारण बच्चे का लालन पालन होता है। अगर भगवान ये स्नेह बंधन नहीं देते तो बच्चे का लालन पालन होता ही नहीं, अमेरिका के हिप्पी जैसा होता। अमेरिका में जैसे बच्चे जन्म दिया, चलो दूसरा शादी करो। शादी नहीं, वहां पे शादी कहाँ, ठीक है, चलो मिल गया सुंदर सुंदरी लड़का लड़की, होटल में जाकर रूम बुकिंग करो, सब काम हो गया, फिर एक साल बाद बच्चा हो गया उसको फेंक दो, आप फेंक देना मतलब हॉस्पिटल में बिक्री कर दो, फिर नया बॉयफ्रेंड खोजो, नया गर्लफ्रेंड खोजो, फिर ये करो, होटल बुकिंग करो, ऐसे करके जीवन जिया जाता है। तो इसमें क्या है, विदेशों में स्नेह नहीं है, कोई ममता प्रेम नहीं है अपने बच्चों के प्रति। तो यही हाल अगर वर्तमान में सभी जीवात्माओं में होता तो क्या बच्चों का लालन पालन होता? अगर बंदर भी ऐसा करते तो विदेशियों की तरह, कुत्ता भी ऐसा करे तो, बाघ भी ऐसा करे तो, ये संभव है बच्चों का लालन पालन? नहीं। तो ये स्नेह बंधन भगवान की कृपा है, तो इसीलिए भगवान ने स्नेह बंधन दिया है, इसीलिए कुंती महारानी बोले कि स्नेह बंधन को काट दो। क्यों? क्योंकि ये स्नेह बंधन ही माया है, क्योंकि मैं वृष्णि, वृष्णि मतलब जदुकुल, वसुदेव को अपना भाई, मतलब आपके पिता कृष्ण के पिता वसुदेव को अपना भाई मानता हूं, भैया मानता हूं, और पांडव को मैं अपना पुत्र मानता हूं, पांडु को अपना पति। तो ये जो है, ये सब मोह है। सभी व्यक्ति अपने अपने कर्म फल के अनुसार इस जगत में आते हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि ये सब मेरे हैं, ये मेरी संतान, ये मेरी पत्नी, ये है बच्चे, नहीं, ये मोह है, ये बंधन है। तो श्रील प्रभुपाद इस कुंती महारानी की इस लेख, इस श्लोक के आधार पर बहुत कुछ डिस्कस किए, बहुत कुछ टीका टिप्पणी की। हाँ, तो श्रील प्रभुपाद पहले लाइन में बता रहे हैं तात्पर्य में कि भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है ना, भगवान से अपने लिए कुछ भी मांगने से उसको शर्म आता है, लज्जा आती है। क्यों? क्योंकि जो शुद्ध भक्त होता है उनको पता है कि जैसे एक छोटा बच्चा है और बाप है, तो छोटा बच्चा बाप के पास जाके पिताजी के पास बोलते हैं, बाबा 10 रुपये दो ना। क्यों? पापड़ खाना है, चॉकलेट खाना है, बिस्कुट खाना है, कुछ भी है। लेकिन जो बच्चा बड़ा हो जाता है तब बाबा के पास, उसको अपने पिता के पास बोलने का जरूरत नहीं होता, तो पिताजी खुद समझ जाता है, और वो जहां भी जाते हैं, अच्छा कहाँ जाएंगे, मुंबई, ओके ये 2000 रुपये रखो, ठीक है, कहाँ
कहाँ जाना है? कलकत्ता। ठीक है, ये 3,000 रुपया रखो। पिताजी खुद समझता है इनका क्या जरूरत है क्या नहीं है, वो बिना मांगे ही अपने पुत्र को देते। तो जो शुद्ध भक्त होता है वो बाप का बड़ा बेटा है, ठीक है, और जो भक्त होता है ना वो बाप का छोटा बच्चा है जो बिस्कुट खाता है 10 रुपया लेकर। तो जो भक्त है, जो भगवान से जो कुछ मांगता है, वो भक्त कैटेगरी में आता है। मेरे गुरु महाराज श्रीमद भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज ने कहा है, जो मांगता है भगवान से कुछ वो भक्त है, और जो भगवान से कुछ नहीं मांगता है वो शुद्ध भक्त है। क्योंकि शुद्ध भक्त जानता है कि भगवान से कुछ मांगने का जरूरत ही नहीं होता। जैसे पिता पुत्र के न चाहते हुए भी पिता समझता है कि उनको क्या चाहिए, है ना। तो कुंती महारानी एक सेकंड मत, कुंती महारानी भगवान के शुद्ध भक्त है, और शुद्ध भक्त होने के नाते उनको पता है कि क्या मांगना चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो इसीलिए कुंती महारानी समझ गए ये जो भक्ति जीवन में सबसे बड़ी बाधा है स्नेह बंधन, क्योंकि हम जीवात्मा होने के नाते हमारा प्रेम का जो केंद्र बिंदु है वो एकमात्र कृष्ण है। हमारी जीवात्मा हम है और कृष्ण है परमात्मा। तो जीवात्मा का प्रेम किसके साथ होना चाहिए? किसी शरीर से नहीं। जब वो कुत्ता था, अगर मान लीजिए अभी हम लोग मनुष्य शरीर में, अभी हम लोग थोड़ी कुत्ते से प्रेम करेंगे, कुत्ते का माँ है वो मेरी मौसी है, कुत्ते का पीसी, ऐसा हम लोग थोड़ी करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग उस जोनी में नहीं है, हम लोग कुत्ते जोनी में नहीं है, बंदर जोनी में नहीं है, अभी हम लोग मनुष्य जोनी में है। इसीलिए मनुष्य जोनी में फ्रेंड फ्रेंडशिप मौसी चाची भतीजी ये सब चलता है। उसी प्रकार जब देवलोक में जाएंगे देवता बनेंगे उस समय भी मनुष्य का जो हमारा रिलेशनशिप ये भी नहीं रहेगा। तो अल्टीमेटली जो आत्मा है ना, आत्मा का इस संसार में किसी भी व्यक्ति के साथ कोई रिलेशनशिप कोई संबंध नहीं है, ना कुत्ता ना बिल्ली ना भेड़िया ना बकरी, किसी के साथ नहीं। आत्मा होने के नाते आत्मा का रिलेशनशिप आत्मा का संबंध एकमात्र कृष्ण के साथ है, ठीक है। तो आत्मा के रिलेशनशिप कृष्ण का साथ है। तो कुंती महारानी इस तत्व को पूरी तरह से अवगत थी कि अगर मैं इस स्नेह बंधन को न काटूं, अगर मैं सब समय चिंता करूं पांडव अर्जुन मेरा अच्छा बच्चा है, युधिष्ठिर मेरा धर्मराज है, वो मेरे कितने प्यारे बच्चे, ये जो स्नेह ये जो ममता, इससे क्या होगा? वो देहात्म बुद्धि में भूले पड़े रहेंगे यही पर। और कृष्ण जो ओरिजिनल जो उनके परम प्रभु है, आत्मा का जो परम प्रभु परम परमेश्वर कृष्ण, वो चीज से हम लोग हाथ धो देंगे। हाँ, आत्म तत्व ज्ञान से हम लोग वंचित रह जाएंगे, और आत्म तत्व ज्ञान से जो वंचित रह जाएंगे तो मनुष्य जीवन हमारा बैठते चला गया। मनुष्य जीवन मिला है किस कारण? मनुष्य जीवन इसीलिए मिला है कि भगवान से बैरी होने के कारण इस संसार में आए भोग करने के लिए मिला है कोई पशु जोनी। तो पशु जोनी में तो भगवत धाम जाना पुनर्संभव नहीं है, उसके लिए आपको एक परीक्षा देना है, इंटरव्यू देना है। तो इंटरव्यू क्या है? मनुष्य शरीर। तो मनुष्य शरीर में एकमात्र कृष्ण भजन करने के लिए हम सबको प्राप्त करना है। उस कृष्ण भजन को करने के लिए जो जो सामग्री है वो है श्रवण कीर्तन स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम सखम आत्मनिर्भर। ये जो नवदा भक्ति है, 9 स्टेप है भक्ति का, ठीक है। तो ये भक्ति के माध्यम से हम लोग उस प्रगति को मतलब वो डेवलप करेंगे हमारे भक्ति जीवन में, या हम लोग जो आत्मा है इसको रियलाइज कर पाएंगे, ठीक है।
श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान से जो शुद्ध भक्त होता है वो कुछ भी नहीं मांगते क्योंकि उसको शर्म आता है। किंतु श्रील प्रभुपाद पॉइंट आउट कर रहे हैं लेकिन गृहस्थों को कभी कभी बाध्य होकर भगवान से कुछ कथा की याचना करनी पड़ती है क्योंकि वह पारिवारिक स्नेह की ग्रंथि से बंधे होते हैं। गृहस्थ कभी कभी बाध्य होकर भगवान से कुछ मांग बैठते हैं। यद्यपि हम लोग जानते हैं सुदामा कौन थे, गृहस्थ थे, शुद्ध भक्त थे, इसलिए वो कृष्ण से कुछ मांग नहीं पाए। लेकिन उनकी पत्नी वसुंधरा बोले कि आपका मित्र भगवान द्वारकाधीश कृष्ण उनके पास जाइए ना, वो हमारी हाल स्थिति को समझेंगे, अगर कुछ देंगे तो हमारा परिवार चलेगा। ठीक है, तो सुदामा गए लेकिन वो मांगे नहीं। यद्यपि श्रील प्रभुपाद यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहे गृहस्थों को कभी कभी मांगना पड़ता कि हे प्रभु हम बहुत ही विषम परिस्थिति में हैं, आप ही रक्षा कर सकते हैं, बहुत ही अभाव चल रहा है। कोई मान लीजिए कि बोल दे, यद्यपि जो बोलेंगे शुद्ध भक्त नहीं है, इस चीज को समझना है, क्योंकि उनको पता है, शुद्ध भक्त को पता है कि भगवान को बिना मांगे भगवान भरण पोषण दे देंगे। लेकिन फिर भी मान लीजिए कोई मांग लेता है, कौन मांगता है जो गृहस्थ जीवन के जंजाल में पड़े हुए है। ठीक है, गृहस्थ जीवन के जंजाल में पड़े हुए इसीलिए वो कुछ मांग बैठता है। तो कुंती महारानी इस तथ्य से सचेत थी क्या, अतः उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वो उनके सजनों पांडवों तथा वृष्णियों के प्रेम पास को काट दे। पांडव उनके अपने पुत्र थे और वृष्णि उनके पितृ कुल के सदस्य थे। हाँ, वृष्णि मतलब है भगवान श्री कृष्ण, बलराम, जदुकुल पूरा, खानदान द्वारकावासी, ये उनके पितृकुल। पितृकुल मतलब वसुदेव से संबंधित, पितृकुल से रिलेटेड, बुआ है ना, कुंती महारानी बुआ है कृष्ण की। ठीक है, पांडव अपने पुत्र है तो कुंती महारानी क्या चाह रही है कि दोनों का ही स्नेह बंधन काट दीजिए क्योंकि दोनों ही बंधन का कारण है। तो कृष्ण ही दोनों परिवार को समान रूप से संबंधित है, तो दोनों ही परिवारों को भगवान की सहायता की आवश्यकता थी क्योंकि दोनों ही भगवान के आश्रित भक्त थे। श्रील प्रभुपाद यहाँ पे तात्पर्य में लिख रहे हैं कि ये वृष्णि वंश मतलब जदुकुल, द्वारकावासी, मथुरावासी और पांडवगण हस्तिनापुर, दोनों को ही भगवान श्री कृष्ण की आवश्यकता थी। क्यों? क्योंकि दोनों ही शुद्ध भक्त थे और दोनों ही कृष्ण पर आश्रित थे, इसीलिए भगवान दोनों को ही कृपा की। तो कुंती महारानी की इच्छा क्या थी? कुंती महारानी की इच्छा यह थी कि श्री कृष्ण उनके पुत्रों अर्थात पांडवों के साथ रहे हमेशा। लेकिन कृष्णा के ऐसा करने से कुंती के पितृकुल के लोग इस लाभ से वंचित रह जाते। कुंती महारानी की क्या इच्छा थी कि आप हस्तिनापुर में हमेशा के लिए रहे क्योंकि यहाँ पे धन धान्य खनिज रत्न माला एवरीथिंग सब कुछ है, आपके चरण रज है, इसीलिए यहाँ पर हमारा राज्य कितना कुछ है, तो आप अगर चले जाएंगे तो क्या हाल होगा। तो कुंती महारानी क्या बोल रहे कि आप यही पर रहे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने सोचा अगर कुंती महारानी की ये बात को एक्सेप्ट किया जाए तब तो द्वारकावासी लोग तो वंचित रहेंगे, कुंती महारानी की अगर बात सुना जाए तब तो हस्तिनापुर में मुझे बंद के रहना पड़ेगा, रस्सी से बांध दिया जाएगा, तब तो द्वारकावासी जो वो भी हमारे मेरे आश्रित है उन लोगों को मैं कैसे आनंदित कर सकूं, वो भी तो मेरे आश्रित है, वो भी तो मेरे भक्त है। तो भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण का मास्टर प्लान चलते हैं, हम सब प्लान करते हैं, भगवान का मास्टर प्लान। तो जो भी है ये सब पक्षपात कुंती के मन को दुख देने वाला था, अतः उन्होंने इच्छा व्यक्त की यह स्नेह बंधन विच्छिन्न हो जाए। हाँ, पक्षपात क्या कि भगवान श्री कृष्ण यहीं पर रह जाए हमारे साथ,
वह द्वारका न जाए क्योंकि वो हमारे पुत्रों की रक्षा करे। तो बाद में कुंती महारानी ने सोचा, अरे मैं क्या ऐसे पक्षपात कर रहा हूँ, मैं अपने पुत्रों को बढ़ावा दे रहा हूँ और जो द्वारकावासी है कृष्ण का अपना उसको हम कम कर रहे, ये तो अच्छा नहीं। इसीलिए कुंती महारानी ने बोले कि मेरा जो स्नेह बंधन है इस स्नेह बंधन को कृपा करके आप काट दीजिए। तो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि शुद्ध भक्त जो होते हैं अपने परिवार के सीमित स्नेह बंधन को विच्छिन्न करके समस्त विस्मृत आत्माओं के लिए अपनी भक्तिमय सेवा का विस्तार करते हैं। अर्थात चैतन्य महाप्रभु के जीवन में हम लोग देखे हैं, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जब नदिया नवद्वीप धाम मायापुर में थे तो उनकी पत्नी थी विष्णुप्रिया और उनकी बूढ़ी माता थी सच्ची माता, उनके घर में और कोई नहीं था। ठीक है, तो चैतन्य महाप्रभु सोचा कि मुझे अपने इस परिवार को देखना है, मेरी पत्नी और मेरी माँ को, ये संपूर्ण जगत की आत्मा जो कृष्ण को भूल चुके हैं उनको पुनः कृष्ण से मिलाने का कार्य करें। क्या करो, गृहस्थ बने रहने से तो ये संभव नहीं है क्योंकि गृहस्थ लोग मुझे क्रिटिसाइज करते हैं, निंदा करते हैं, और अगर निंदा करते तो अपराध हो रहा है और अपराध करते हो उसको कृष्ण भक्ति कैसे प्राप्त हो। लेकिन अगर मैं सन्यासी जो सन्यास अगर ग्रहण करूं तो हर कोई मुझे प्रणाम करेंगे और प्रणाम करने से उनको पुण्य मिलेगा, सुकृति होगा और सुकृति से उसको भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इसीलिए इस चिंता ये चिंता भावना करके चैतन्य महाप्रभु सन्यास ग्रहण किए। किस लिए? अपने परिवार के स्नेह बंधन को विच्छिन्न करके जगत कल्याण के लिए, जगत वासियों को कृष्ण भक्ति प्रदान करने के लिए चैतन्य महाप्रभु क्या किया? अपने माता जो बूढ़ी माँ है, घर में कोई कमाने वाला नहीं है, वधू अपनी वाइफ सुंदरी विष्णु प्रिया स्वर्ग की देवी लक्ष्मी दोनों को छोड़कर भगवत भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए चले गए। बिना सेक्रीफाइस के क्या कुछ मिलता है। और दूसरा उदाहरण श्रील प्रभुपाद दिए है सड़ गोस्वामियों, स्वरूप रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी। हाँ, ये सब कौन थे? अब उस दिन हम लोग क्लास में डिस्कस किए थे कि रूप गोस्वामी थे अर्थमंत्री मतलब ट्रेजरर, और सनातन गोस्वामी थे प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर, और रघुनाथ दास गोस्वामी थे हिरण्य मजुमदार और गोवर्धन मजुमदार का एकमात्र सुपुत्र। जो उस समय 500 वर्ष पूर्व साल का आय 12 करोड़ रुपया था, उस समय 500 वर्ष पूर्व, तो अब उनका कितना वैल्यू, कितना मूल्य होगा। तो वो भी ऐसे जो राजा के पुत्र थे, सब कुछ स्नेह बंधन को काट कर सन्यास ले लिया चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में आगे। तो ये जो है ये आदर्श आइडियल भक्त का दृष्टांत है। तो भगवान रामचंद्र का उदाहरण यहाँ पर दिया गया कि भगवान रामचंद्र ने आदर्श राजा के गुणों को प्रकट करने के लिए अपनी प्रिय पत्नी से स्नेह बंधन छिन्न कर लिया था। हम लोग जानते हैं रामायण में कि जब सीता देवी लंका में थी, उसके बाद जब अयोध्या आए तो भगवान रामचंद्र ने फीडबैक जानना चाहा कि जब अयोध्या वासी क्या बोलना चाह रहे हमारे विषय में। तो भगवान रामचंद्र चादर ओढ़कर एक साधारण व्यक्ति की भांति थोड़ा मतलब घूमने टहलने चला, तो टहलने चला तो देखा कि एक घर में ये बात चल रहा है कि मैं अपने पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है। तो बोले कि मैं थोड़ी उस तरह का रामचंद्र हूं जो इतना दिन जो दूसरे के पराये मर्द पराये दूसरे लोगों के रावण के पास रहेगा बीबी पत्नी और उनको